हेलो नमस्कार दोस्तों, आज भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान का छठा वीडियो जिसमें आज आपके लिए लेके आए हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना का वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करते रहें। और आप कुछ लोग मुझसे काफ़ी नाराज भी होंगे ताकि क्योंकि मैं अभी लगातार वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। फिलहाल आप इससे परेशान ना होइए, आज से अब आपको लगातार वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। मगर एक शर्त है, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जितने भी हमारे नए व्यूअर हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तावना शुरू करने से पहले देखते हैं कि प्रस्तावना क्या चीज है। प्रस्तावना एक संविधान का वह हिस्सा है जो संविधान के आदर्शों और उसके आकांक्षाओं को प्रस्तुत करती है, यानी उद्देशिका संविधान का एक ऐसा भाग है जो संविधान की आकांक्षाओं और उसके आदर्शों को प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना के लिए जो संविधान में जो प्रस्तावना जोड़ने की बात आई थी तो उसके लिए जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देशिका को संविधान में जोड़ने के लिए जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को लाने के बाद संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर दिया गया। स्वीकृत करने के बाद संविधान के अंदर प्रस्तावना जोड़ दी गई। प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका दूसरी संज्ञा है, प्रस्तावना की दूसरी संज्ञा है उद्देशिका भी कह सकते हैं। तो उद्देशिका जो ली गई थी संविधान निर्माताओं द्वारा वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी, यानी कि जो प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी है, वहीं से इसको उठाकर संविधान निर्माताओं ने अपने भारतीय संविधान में रखा है। तो उद्देशिका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी प्रेरित है। उद्देशिका है उस उद्देशिका को अगर आप चाहें तो जैसे वो उद्देशिका शुरू होती है हम भारत के लोग से और आत्मार्पित समर्पित करते हैं तक खत्म हो जाती है। तो जहां से उद्देशिका शुरू होती है और लास्ट तक खत्म होती है करीब 10 या 13 लाइनें हैं, उसे आप याद भी कर सकते हैं। याद करने का एक फायदा यह होगा कि अगर जिन लोगों का भी UPPCS का जो मेंस होता है उसमें अगर पॉलिटी सब्जेक्ट है तो इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछा जा सकता है, बस प्रस्तावना को याद कर सकते हैं। थोड़ा याद करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ मुझे प्रस्तावना याद है, तो आप प्रस्तावना को याद भी कर सकते हैं। और प्रस्तावना में जैसे शब्द हैं संपूर्ण प्रभुता संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और राष्ट्र की एकता अखंडता जो शब्द आए हैं उनकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और जितने भी शब्द वो प्रस्तावना में हैं उनका अर्थ बताते हुए मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक समझते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या कैसे क्या बदलाव हुए, क्या क्या उसमें है वो देखते हैं। तो उद्देशिका आपको पता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। इसके बाद जिस प्रकार अनुच्छेद और भाग में संशोधन हुआ है उसी प्रकार हमारी उद्देशिका यानी प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया है। संशोधन कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर प्रथम पैरा में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। और जो उद्देशिका का छठवां पैरा था उसमें अखंडता शब्द जोड़ दिया गया, यानी संशोधन करके 3 शब्द को जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और दूसरा अखंडता, इनको जोड़ने के बाद जब प्रस्तावना इसे जुड़ गई थी तब जुड़ने के बाद कुछ लोगों के मन में विचार आया कि जो संविधान में उद्देशिका है वो संविधान का भाग है कि नहीं, अगर है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसी को देखते हुए वाद विवाद हुआ कुछ और उसी में एक बात आया
इन री बेरू बारी बार, जो काफी लोकप्रिय भी है और अधिकतर बनडे एग्जाम पूछ भी लिया जाता है। इंदी बेरू बारी बाद आया, कब आया? 1960 में। तो इस इंदू बेरी बार इन री बेरू बारी बाद जब 1960 में जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पलटते हुए कहा कि उद्देशिका जो संविधान की उद्देशिका है वो संविधान का अंग नहीं है। जब इंदू बेरी इन री बेरू बारी जब गए थे सुप्रीम कोर्ट में तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि उद्देशिका जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की केवल कुंजी है, यानी कि जो उद्देशिका है उसके द्वारा आप संविधान निर्माताओं की आशय को केवल समझ सकते हैं, क्योंकि संविधान की जो भाषा थोड़ी संदिग्ध है, अस्पष्ट है, कठिन है, जटिल है, तो इसलिए संविधान की उद्देशिका द्वारा आप संविधान निर्माताओं की आशय को समझ सकते हैं। तो इंदी बेरू बारी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केवल यही दो पॉइंट दिए, पहला दिया उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है और दूसरा दिया उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। अब तक लोग समझने लगे कि संविधान उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। इसके थोड़े दिनों बाद 1960 के बाद 1973 में यहाँ पे ये रहा है 1967 में एक बात आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ पंजाब बनाम पंजाब राज्य जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उनके प्रकरण को देखते हुए इसमें न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट के हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का की मूल आत्मा है। जब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उनके प्रकरण को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि जो उद्देशिका है वो संविधान की मूल आत्मा है, यानी कि यहाँ पर कहा गया कि संविधान उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है और यहाँ पर कहा गया कि उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। अब लोगों ने मान लिया कि हाँ उद्देशिका जो है संविधान की मूल आत्मा है, मगर उस समय न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने तो कहा कि संविधान जो उद्देशिका है वो संविधान की मूल आत्मा है, परंतु जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष जिनका संविधान निर्माण में बहुत ही बड़ा योगदान है, उनके अनुसार देखा जाए तो संविधान की जो मूल आत्मा है वो उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि हमारे मूल अधिकारों में अनुच्छेद 32 के तहत है, संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 जो है अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर ने उसे संविधान की आत्मा को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद गोलकनाथ बना पंजाब राज्य 1967 के बाद आया केशवानंद भारती बना केरल राज्य, जो कि आया 1973 में। जब ये केशवानंद भारती बना केरल राज्य जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर से कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है, यानी यहाँ पर कहा कि अंग नहीं है, यहाँ पर कहा कि संविधान उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है और केशवानंद भारती के बाद में उन्होंने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। इसके साथ साथ दो पॉइंट और सुप्रीम कोर्ट ने दिए, दूसरा दिया कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। पहला दिया उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, दूसरा दिया उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन सिर्फ वही किया जा सकता है जहां पर अगर मूलभूत यानी उद्देशिका का जो मूलभूत ढांचा है उसको छोड़कर संविधान में उसकी उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है यानी मूलभूत ढांचे के अलावा। मूलभूत ढांचा क्या है? मूलभूत ढांचा एक ऐसा है कि जैसे जो मूलभूत ढांचा उस प्रकार का ढांचा है, यानी कि मूलभूत ढांचे में वो संशोधन नहीं होगा जैसे जब उस प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता उद्देशिका में कि उद्देशिका का अर्थ बदल जाए, यानी कि उद्देशिका में संशोधन हो सकता है मगर उसका अर्थ ना बदले तब तक संशोधन किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है मगर मूलभूत ढांचे में नहीं किया जा सकता। ऐसा संशोधन उद्देशिका में नहीं होगा ताकि उद्देशिका का जो अर्थ निकल रहा है उसमें कुछ अंतर हो जाए, तो उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है मूलभूत ढांचे के अलावा। तीसरा पॉइंट भी है कि उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है,
तीसरा पॉइंट यह था सुप्रीम कोर्ट ने, उद्देश्य का न्याय योग्य नहीं है, यानी कि उद्देशिका के द्वारा आप किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार यही सबसे लास्ट का बात है, वाद विवाद है, और इसी को अब तक माना जा रहा है। इसी को मानते हुए अब तक लोग मानते आ रहे हैं कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, मगर मूलभूत ढांचे के अलावा। और तीसरा, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। ये तो थोड़ा आज हो गया प्रस्तावना के बारे में। अब इसके बाद में जो अगला वीडियो होगा वो प्रस्तावना के अंदर जो भी महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं, जैसे संपूर्ण प्रभुता संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, राष्ट्र की एकता अखंडता, उनका क्या अर्थ है, उसका अर्थ हम अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए इतना ही। हाँ प्लीज, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करते रहिए, अपने गुणवत्तापूर्ण सुझाव हम तक पहुँचाते रहिए, ताकि जो भी हमसे हो सके हम अपनी वीडियो में बदलाव ला सकें और आपके लिए उपयोगी साबित कर सकें। और साथ ही साथ आप ये जितना भी लिखा है व्हाइट बोर्ड पर, आप इसे किसी कॉपी में आप इसे पेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये आपको परीक्षा के टाइम अति महत्वपूर्ण साबित हो। धन्यवाद।